और बेटा तो हम लोग बात कर रहे करंट होता क्या है ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग लो अपने, तो लो तो अपने को पता मेटालिक कंडक्टर है मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत भर भर के होते हैं तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया क्रॉस सेक्शन मान लो यहाँ पर रख लिया ठीक है क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रख लिया मान लो अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन रखने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आना जाना रहने लगा मतलब माल लिया कि में, दस इधर भी निकल रहा। मतलब किसी भी टाइम पे किसी भी टाइम पे आप देखें तो नेट फ्लो ऑफ करंट या नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल भी इक्वल टू जीरो ठीक है यह बात हम लोग समझ गए तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं कि एन आइसोलेटेड एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड एन आइसोलेटेड मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर कंडक्टर हैव हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are moving in which are moving in a random direction moving in random direction random direction due to thermal agitation due to thermal agitation due to thermal agitation at any instant at any instant the net flow of charge flow of charge at any instant the net flow of charge through any cross section through any cross section will be equal to cross section will be equal to zero equal to zero ठीक है नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा नेक्स्ट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन तो मैथमेटिकल मैथमेटिकल कल डेफिनेशन ऑफ करंट डेफिनेशन ऑफ करंट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ करंट तो देखो बेटा ये क्या बोलता है सिंपल सा डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द रेट एट एट विच the electric charge the rate at which the electric charge flows flows through a particular cross section cross section Achha. तो क्या बोला गया द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इसी को क्या बोला गया इलेक्ट्रिक करेंट डिफाइन किया गया ठीक है इफ इफ डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पास इज दैट पास इज थ्रू अ डेट पासज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम इन डेल्टा टी टाइम देन देन करेंट एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर यह एवरेज करंट है इसको अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू में लिखा जाए तो आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डीक्यू अपॉन डी ठीक है DT. और थोड़ा सा हम लोग बोले तो नेट चार्ज अगर मैं बोलूं तो उसको क्या बोल सकते हैं आई dt के बराबर बोल सकते हैं तो कई बार आपसे एवरेज करंट बोला जाए तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन आई डी टी इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ये सभी एक ही बात को बयां करते हैं समझ में आया इन जनरल इन जनरल द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसे क्या बोला गया इलेक्ट्रॉन इज मोर इज मोर प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट देन द फ्लो ऑफ इज मोर प्रीडोमिनेंट सो इन जनरल द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर प्रीडोमिनेंट है ना एक्चुअली में मैक्सिमम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं ठीक है more predominant than flow of charges than flow of then flow of positive charge positive charge but but we conventionally conventionally have chosen the direction of of flow of flow of positive charge ya yeah, flow of current flow of current as movement of of positive charge ठीक है देखो बेटा होता क्या है होता है एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा है सबसे ज्यादा करंट का फ्लो का मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है ठीक है तो वो कन्वेंशन को हम लोगों ने रख दिया तो हम लोग और उस बात को क्या बोल सकते हैं बेटा जरा ध्यान से समझना मान लो मान लो ये अपने पास कंडक्टर है मान लो ये अपने पास कंडक्टर है इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है देयर फोर देयर फोर द डायरेक्शन ऑफ करेंट द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिया गया है क्यों क्योंकि अगर मान लिया कि इलेक्ट्रॉन सपोज राइट से लेफ्ट जा रहा इलेक्ट्रॉन अगर राइट right से लेफ्ट जा रहा तो इसका मतलब हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट right आ रहा है यह हम लोग इमेजिन कर सकते हैं तो इसी डायरेक्शन को करंट का फ्लो लिया गया है जो हम लोग मानते हैं बट एक्चुअली में क्या है एक्चुअली में क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये छोटी सी बातें हैं जो अपने को दिमाग में रह लेनी चाहिए समझ में आया तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इन्होंने क्या बोला था उस बात को हम लोग समझते हैं धीरे धीरे आगे भी चर्चा करते जाएंगे इस पर तो इन्होंने जो इनका स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं दैट स्टेटमेंट इज द इलेक्ट्रिक करेंट द इलेक्ट्रिक करेंट इन एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करेंट इन एनी conductor the electric current in any conductor is directly proportional to the is directly is directly directly proportional to the is directly proportional is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस बिथ्वीन इट्स एंड इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिथ्वी इट्स एंड है ना अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अदर फैक्टर एक और पॉइंट उन्होंने बोल दिया था कि अदर फैक्टर सुड रिमेन कॉन्स्टेंट सुड रिमेन कॉन्स्टेंट सुड इसका मतलब क्या है समझना बेटा कि अगर यहां पर अपने पास कोई कंडक्टर है कोई कंडक्टर है इसके अक्रॉस अगर अपने को देखना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है कितना करंट फ्लो कर रहा तो वो डायरेक्टली प्रपोजल होगा किसका कि इन दोनों के अक्रॉस इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां से यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मैंने उसका नाम वी ए बी दे दिया या वी दिया तो उन्होंने बोला कि आर को आप डिफाइन करें तो क्या आ गया वी बाई आई वेर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ़ ऑफ़ कंडक्टर, कंडक्टर, वेर आर इज़ ठीक है? अब रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को हम लोग डिफाइंड कैसे कर देंगे या बोलेंगे क्या कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है क्या इस बात को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले उससे पहले जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा ओम्स लॉ क्या बोला अपने पास कि ने बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में बताना है तो वो कैसे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होगा होगा वो पोटेंशियल इन अक्रॉस बाकी फैक्टर फैक्टर को कांस्टेंट रहने चाहिए कौन-कौन देखा जाएगा बाद में? तो हुआ, और हम लोग क्या लिख सकें कि हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इस कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट का रेशियो जो है वो किसके बराबर है वो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर है मतलब अगर आर को बोला जाए तो क्या है इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफ़रेंस इन दंडक्टर अजय नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ठीक है बेटा रेसिस्टेंस पे हम लोग बात करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा मैं आपको इसको पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाता हूं फिर हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने पता करा ये कि जो आर है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रो पे L पे और ए पे रो क्या था? ये था रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है एल डिपेंड करता है क्या L क्या है लेंथ और क्रॉस सेक्शन ए क्या हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया इसका मतलब क्या हुआ बेटा जरा समझना कि अगर अगर ये अपने पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर है ठीक है दोनों कंडक्टर में देखा जाए सब कुछ सेम रखा है हम लोगों ने मटेरियल भी सेम रखा है तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा नीचे वाले का ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा अगर इसी को कंपेयर करें हम लोग और इसका एरिया बढ़ा दें तो हम लोग बोलेंगे कि थर्ड वाले का सर सेकंड और थर्ड का अगर कंपेयर किया जाए तो क्या बोला जाएगा कि थर्ड वाले का एरिया ज्यादा है मतलब रेसिस्टेंस कम होगा ठीक है आर क्या है ये रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो इसी सब चीज को और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी क्योंकि याद करो याद करो हम लोग एक बात किए थे कि थर्मल एगिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम होगा कब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो आर जो अपना है वो किस पे किस पे डिपेंड करता है आर डिपेंड्स ऑन आर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन आर डिपेंड्स ऑन किस पे किस पे डिपेंड करता है पहला मटेरियल ऑफ कंडक्टर मटेरियल ऑफ कंडक्टर दूसरा टेंपरेचर तीसरा लेंथ एंड चौथा एरिया ठीक है नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस चेंज इन रेसिस्टेंस इस पे बेस्ड सवाल इस बार आए हुए थे ठीक है फैब आइटम वाले पेपर में आए हुए थे देखो क्या बोलता है ध्यान से समझना अगर मान लो अपने पास बेटा एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था कुछ ठीक है एरिया और लेंथ था अब इसको मैंने खींच के लंबा कर दिया खींच के लंबा कर दिया तो इसका लेंथ एल टू हो जाएगा एरिया ए टू कुछ हो जाएगा अपने पास बट सवाल में आपको सिर्फ लेंथ का वेरिएशन दिया एरिया का कोई चर्चा नहीं करा है। तो आर की कालिटी क्या होगी सोच सकते हैं डायरेक्टली तो? प्रोपोर्शनल टू एल मतलब कि बढ़ जाए नहीं देखो आर इज इक्वल टू क्या है बेटा रो एल बाई ए ठीक है एक बात हम लोगों ने नोटिस नहीं करा वो ये बात था कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट तो एरिया पे अगर चर्चा नहीं किया है तो एरिया को छेड़खानी नहीं करना रहा दो भाई तू तो. तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया एल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया एल से रेसिस्टिविटी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है यानी आर इज प्रपोजनल टू एल स्क्वायर इसी पे सवाल आया था अभी कराऊंगा तो आर इज प्रपोजनल टू एल स्क्वायर कब? जब वेरिएशन इन लेंथ बोला गया हो कब है तो केस ए चाहे तो लिख में देता हूं मैं वेरिएशन इन लेंथ अगर दिया हो वेरिएशन इन लेंथ बोला गया हो तो ठीक है दूसरा दूसरा अगर वेरिएशन इन एरिया बोला हो तो वेरिएशन इन एरिया और रेडियस ये बोला गया इसका मतलब क्या है कि लेंथ के बारे में आपको चर्चा नहीं करना फिर से देखो बेटा चाहे आप वायर को खींचे हो या उसको मोर के छोटा कर दिए लंबा कर, कर हो या फिर कुछ भी अरेंजमेंट करो यार कुछ भी अरेंजमेंट आप खींचे ही हो मान लो सबसे आसान है एग्जाम्पल खींच दिए तो क्या होगा बेटा वो तो है अपने पास आर इंटू एल अपॉन ए

ये बन गया अपना ठीक है जाओ सवाल में कुछ ऐसा पूछा गया सवाल में कुछ ऐसा पूछा गया कि इफ इफ लेंथ ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाई इंक्रीजेस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाई 11% परसेंट इलेवन परसेंट देन फाइंड इसी टाइप का कुछ सवाल था जेई का भी ठीक है इसका पार्ट बी भी, भी है जो मैं वापस से बता दे रहा हूं जहां पे कंफ्यूजन वापस से होता है ये पार्ट ये है कि इफ थ ऑ ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज बाई टू परसेंट या चलो थ्री परसेंट देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इन रेसिस्टेंस इसी टाइप के मिलते जुलते सवाल थे कोशिश करें दोनों सवाल को ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ no. मैंने एक बात बताया था बेटा कि आप एरर एनालिसिस तभी लगा सकते हैं जब एरर 10% परसेंट से कम हो या 10% परसेंट से काफी कम हो इनफैक्ट तभी लगा सकते हैं नहीं तो फिर एरर एनालिसिस को आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते कैसे लगाना है अब देखो L1 की वैल्यू L1 की वैल्यू अगर L है तो L2 की वैल्यू कितनी है वन टाइम्स ऑफ एल है कैसे आया ये वापस से बता रहा हूं बार बार नहीं बताऊंगा एल प्लस ग्यारह परसेंट ऑफ एल ठीक है तो यहां से एल को कॉमन ले लो वन प्वाइंट वन वन एल आ गया और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क् ना या आर टू बाई आर वन लेता हूं आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर अपॉन एल वन का स्क्वायर एल टू अपॉन एल वन का स्क्वायर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ गया आर टू अपॉन आर इज इक्वल टू अब देखो वन पॉइंट वन वन का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा ये बेटा है ना कितने के बराबर ग्यारह का स्क्वायर अगर देखे या एक वन 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 का स्क्वायर देखें ठीक है तो ये आता है वन टू थ्री वन टू थ्री वन वन टू थ्री टू वन के बराबर आता है वन टू थ्री टू वन के बराबर आता है तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए इसको और थोड़ा सा सिंप्लिफाई किया जाए तो लगभग अगर हम लोग देखें 11 का स्क्वायर करना है अपने को है ना तो 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 कितना आ गया ये one two three इनटू वन सर है ना one two आ, नहीं तो 111 है ना यार ये one point one one है इसका स्क्वायर आया तो one point two three two one आसपास आ जाएगा इनटू l स्क्वायर बाय l यानी इसको सिंप्लिफाई कर लिया जाए तो r की वैल्यू या r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 1.23 टाइम्स r के बराबर हो जाए यानी r2 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास वो आई है 1.23 r के बराबर तो लगभग देखा जाए तो ये 23% के बराबर है तो ऑप्शन इसमें था ही नहीं 23% नन ऑफ दिस ठीक है 23% इज द आंसर Second वाला देख एरर कितना दस परसेंट तो, uh, मतलब से कम है अगर दस परसेंट से कम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एरर एनालिसिस तीन परसेंट तो कितना आ गया अपने पास एरर छह परसेंट के बराबर ठीक है तो सवाल क्या है इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस

इस डायरेक्शन में जा रहा है है ना जिसका वैल्यू है 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कितना 2.7 10 का पावर 18 तो हम लोग क्या मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है तो 2.7 10 का पावर 18 ये भी प्लस ये भी प्लस जा रहा है यानी टोटल करंट अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे टोटल क्यू टोटल क्यू कितना हो, जाएगा बिटा? वो हो जाएगा 10 का पावर माइनस नाइनटीन जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये ऊपर वाला हो गया क्यू क्योंकि क्यू क्या होता है एनई -E के बराबर होता है और टाइम वन सेकेंड है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो टेन का पावर एटीन कॉमन आ जाएगा 3.7 यहां आ जाएगा जब आप कॉमन लोगे, into आ जाएगा 1.6 into 10 का पावर minus 19. तो और सिंपलिफाई कर दो इन दोनों को. तो ये लगभग 0.59 आसपास आ जाएगा. 0.59 एमपीयर. यही हो जाएगा इसका आंसर.